वेलकम टू माई चैनल बायोलॉजी बाई मिराज सर, और मैं हूं आपके साथ मिस्टर मिराज सर। आप सभी लोग फूल गोभी तो खाते ही होंगे, मैं भी खाता हूं भाई। तो भाई नाम है फूल गोभी, लगता है कि वो फूल हम खाते हैं, लेकिन भाई उसका हम फूल नहीं खाते हैं, हम कुछ और खाते हैं। मैं आया हूं फूल गोभी पौधे के पास और मैं बताऊंगा कि हम लोग फूल गोभी का फूल नहीं खाते हैं, हम लोग कुछ और खाते हैं, बिल्कुल साइंटिफिक नज़रिए से। चलिए समझ लेते हैं। देखिए यहाँ पे ये फूल गोभी लगा हुआ है, राइट, ये है फूल गोभी, राइट। तो ये जो हिस्सा है, ठीक है, ये हिस्सा हम लोग खाते हैं, ठीक है ना। ये इसकी पत्तियां लगी हुई हैं, ठीक, और बीच में ये लगा हुआ है ठोस सा भाग, सफ़ेद सा, देखने में लगता है ये फूल है, पुष्प है, लेकिन ये पुष्प नहीं है। देखिए भाई, मैं अगर इसको तोड़ूं तो पता चलेगा, मैं इसे तोड़ देता हूं एक को। ये आपको देखने को मिल रहा होगा कि ये सब ये ब्रांच है, ठीक है, ये ब्रांच है, और इन ब्रांच पे ये जो दिख रहा है ना फूल जैसा, ये फूल नहीं है, ये इसका कली है, यानी कि बड है, ठीक है। ये एक एक बड है जो कि इस पे लगे हुए हैं, ठीक है ना, ये सब लगे हुए हैं, तो एक क्रम से लगे हुए हैं। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि सरसों का फूल, ठीक, एक ब्रांच पे ढेर सारे एक एक फूल लगे हुए हैं सरसों का, तो हम उसे कह सकते हैं कि उस पूरे ब्रांच को पुष्प क्रम, यानी कि इनफ्लोरेंसी, यानी कि क्रम से एक एक फूल लगे हैं, और जो भी एक एक फूल दिख रहे होंगे आपको, वो एक कंप्लीट फूल है जो कि एक फल बनेंगे, उसमें बीज होगा। तो एक ब्रांच पे ढेर सारे फूल लगे हैं तो सबका सब पुष्पक्रम कहला रहा है। उसी तरह ये जो कलियां लगी है ना, ये क्या कहलाएंगी, इसका पुष्पक्रम हम कह सकते हैं, इन्फ्लुएंसी, यानी कि ये जो इन्फ्लुएंसी है ना, ये ठोस होता है और इसे ही हम लोग सब्जी के रूप में खाते हैं। अब ये क्या होगा, कुछ समय बाद ये फैलेगा, फैल के क्या हो जाएगा, थोड़ा सा ये ऊपर जाएगा। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये कुछ फैल के फूट के ये क्या हो गया है, ये ऊपर जा रहा है, ठीक है ना, ये ऊपर जा रहा है। ये गोभी है भाई, देख लीजिए, गोभी की पत्ती है वहाँ पर, वो गोभी देख सकते हैं, और ये गोभी यहाँ पे देख सकते हैं। तो ये क्या हो रहा है, फूट के ये क्या हो रहा है, ये बड़ा हो गया है, और ये सब जो बड है, इन्हीं बड में फूल खिलेंगे, ठीक, इन्हीं बड में क्या होंगे, एक एक फूल खिलेंगे। ये फूल कैसे खिलेंगे, ठीक है, मैं आपको यहाँ दिखा देता हूँ। यहाँ पर भी एक पौधा है मेरे पास, ये देखिए, ठीक, ये गोभी का ही फूल, जो हम कह सकते पुष्पक्रम था, फूट के ऊपर आ गया, इसमें फूल लग रहे हैं, ठीक है ना, ये फूल लग रहे हैं। एक एक फूल में एक एक फल बनेगा और उसमें बीज बनेगा, ठीक। सरसों का आपने फूल देखा होगा, उसी तरह ये फूल खिलेगा, अभी खिला नहीं है फूल, ठीक, मेरे पास खिला फूल नहीं है, नहीं तो मैं आपको फूल भी दिखा देता खिला हुआ। तो जो एक एक फूल है वो हम कह सकते हैं बाइसेक्सुअल होते हैं, द्विलिंगी होते हैं, जिसमें पराग कोष और ओवरी दोनों पाए जाते हैं। तो ये द्विलिंगी पुष्प होते हैं, इसी में फल बनेगा और फल के बाद बीज बनेगा, इसी बीज को प्राप्त कर लिया जाएगा, और फिर से इस बीज को मिट्टी में जब डाला जाएगा तो फिर ये गोभी का पौधा तैयार होगा, राइट, और उसके बाद पुष्पक्रम, जो इन गोभी का ठोस वाला भाग है वह निकलेगा, ये फिर वह फूट के ये फैल जाएगा, और इस तरह जो है कि ये एक एक जो फूल हैं लगे हुए हैं, इस तरह फूल लगेंगे और फिर इससे फल से बीज प्राप्त होगा, ठीक। तो आप देख सकते हैं एक एक जो फूल लगा है ना, एक एक फूल, तो ये क्रम से लगा है, ठीक है ना, तो ये पूरा का पूरा ये पुष्पक्रम है, क्या है, ये पुष्पक्रम, ठीक। तो हम कह सकते हैं कि गोभी का जो ठोस वाला जो भाग था, जो ठोस वाला भाग मैंने दिखाया था, गोभी का ये जो ठोस भाग देख रहे हैं ना, ये ठोस भाग जो है, यह इसका हम कह सकते बड है जो कि कर्म से लगा है, और यही जो बड है इसी में फूल खिलेंगे, जो कि मैंने आपको बता दिया पहले ही, ठीक, और ये इसका पुष्पक्रम हम खाते हैं, हम इसका फूल नहीं खाते हैं, क्या खाते हैं भाई, हम इसका पुष्पक्रम खाते हैं। इस तरह आप समझ गए कि हम गोभी का फूल नहीं खाते हैं, ठीक है, फूल गोभी तो नाम है उसका, लेकिन फूल नहीं खाते हैं, हम उसका पुष्पक्रम खाते हैं, जो कि बड होती है, कली होती है, ठीक है, वही कली आगे जाके फूल में परिवर्तित हो जाती है, और उसी फूल में बीज बन फल बनते हैं, फल से बीज बनता है, ठीक। तो आई होप मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको समझ में आई होगी। अगर आप चाहते हैं ऐसे ही नॉलेजबल वीडियोस को देखना, जीव जंतुओं के बारे में, पेड़ पौधों के बारे में, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको जो भी नई वीडियो हम लाएंगे उसका अपडेट आपको मिल जाएगा नोटिफिकेशन के माध्यम से, और बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा, तभी तो नोटिफिकेशन आपको मिलेगा। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट पौधे या जंतु या मानव संबंधी जानकारी के साथ। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।